हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्लास टेंथ का केस स्टडी क्या है, केस स्टडी क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट की तरह मुझसे पूछा गया है तो मैं इसको बताऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 43 है। क्वेश्चन आस्क्ड बाय द वॉरियर, मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ उसमें मैं क्या करता हूँ ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आप उसमें जाकर विजिट कर सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है वही मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, द क्लास टेंथ स्टूडेंट एक्स मतलब टेंथ स्टूडेंट स्कूल इन कृष्णानगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर देयर गार्डनिंग एक्टिविटी। गार्डनिंग एक्टिविटी के लिए क्या दिया गया, ए बी सी डी जो है कि क्या दिया गया, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया किसके लिए, गार्डनिंग एक्टिविटी के लिए, ठीक है। सैपलिंग्स ऑफ गुलमोहर, सैपलिंग ऑफ गुलमोहर मतलब कि पौधे गुलमोहर के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो मिलेंगे। आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फॉर ईच अदर, एक एक मीटर की दूरी पर गुलमोहर के छोटे छोटे पौधों को क्या किया जाएगा, प्लॉट किया जाएगा मतलब लगाया जाएगा। देखिए एक एक मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, देयर इज ए ट्रायंगुलर ग्रासी लैंड, एक ट्रायंगुलर ग्रासी लैंड है यहाँ पर, पी क्यू आर दिया हुआ है, ठीक। इन द प्लॉट एज सोन फिगर इसमें दिया हुआ है, स्टूडेंट आर सोर्स सीड द फ्लॉरिंग प्लांट ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट, रिमेनिंग एरिया में क्या करेंगे वो प्लॉट करेंगे, चिल्ड्रन क्या करेंगे, जो स्टूडेंट क्या करेंगे वो इसमें बीज लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ भी लिया क्या क्या चीज़ें, अब इसके क्वेश्चन को जवाब देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, टेकिंग ए एज ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी का कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। हालांकि हम लोग पी का नहीं, पी का भी बताएंगे और क्यू का भी बताएंगे और आर का बताएंगे, क्यों बताएंगे तीनों का, क्योंकि आगे इसका एरिया भी पूछा है, क्या पूछा है, एरिया भी पूछा है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें सोचना नहीं, ठीक है। एक जगह बस मैं आपको कौन से बताऊंगा कि क्या यहाँ पर बताना था आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर पी का पहले निकालते हैं, पहले क्यू का निकाल लेते हैं, पी का निकालते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ पर पी लिखा तो पी देखिए यहाँ पर ये है, पी हमारा क्या यहाँ पर है, तो अब इसको क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, एक दो यहाँ से हम लोग मिलाते हैं, ये हो गया ये और ये हो गया ये, ठीक है, एकदम यहाँ पर मिल रहा है। जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करते हैं, x लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी हमारा, देखिए x एक्सिस पहले, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है, एक होता है ये x, x डैश और ये होता है y और ये y डैश होता है, ठीक है। तो x x y डैश आपको समझ में आ गया, ये हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है इधर वाला, ये x क्या होता है नेगेटिव x एक्सिस, तो नीचे क्या होता है नेगेटिव y एक्सिस होता है, ऊपर क्या होता है पॉजिटिव y एक्सिस होता है, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ कॉन्सेप्ट बस आपको याद रखना है, वो क्वेश्चन को मतलब जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, थर्ड या फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको ये बताना होगा, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं, पी देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स हमको लिखना होगा पहले, तो पी की वैल्यू कितनी है, पी का मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, पी की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है। और यहाँ पर ये गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो वाई का कोऑर्डिनेट कितना है 6, तो पी का हमारे पास जो पॉइंट मिला वो क्या मिला 4.6 मिल गया, ठीक है। आगे चलते हैं, क्यू का देख लेते हैं, तो क्यू का क्या होगा, क्यू का देखिए, ठीक है, तो क्यू यहाँ पर रहती है 3 है, एक्स एक्सिस पे क्या है 3 है और वाई एक्सिस पे कितना है 1 और ये 2, ये 2 हो गया तो 3.2 हो जाएगा किस पे, क्यू पे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगला चलते हैं आर, तो आर क्या है, आर देखते हैं यहाँ पर ये ऐसे आएगा 6 और ये इसको मिलाते हैं, तो ये अभी यहाँ पर लिखा नहीं, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 और 5, मतलब कि 6 एक्स एक्सिस पहले लिखेंगे तो 6 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, मतलब जो आर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 6.5 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन नंबर पहला हमारा सॉल्व हो गया। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है टेकिंग ए एज ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, या सभी लोग आप समझ में आएगा पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4.6 हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। हमने पहला क्वेश्चन सही कर लिया तो आसानी से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या कह रहा है, और यहाँ पर ये भी बोला टेकिंग ए ओरिजिन, तो हमने एक ओरिजिन लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने एक ओरिजिन लिया था, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने एक ओरिजिन लिया था, इसीलिए हमने इसका वैल्यू क्या है 4.6 आ गया, ठीक। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ आर इफ सी इज द ओरिजिन, सी अगर ओरिजिन होगा तो हमारा क्या कोऑर्डिनेट होगा, इसको हमको करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं ऊपर फिगर पे, फिगर देखिए सी को ओरिजिन लेने को कह रहा है, क्या कह रहा है, सी को यहाँ पर ओरिजिन लेना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग ऐसे सी को ओरिजिन लेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला जो होता है निगेटिव एक्स एक्सिस होता है और यहाँ क्या होता है निगेटिव वाई एक्सिस होता है, मतलब जो भी वैल्यू हमारा आएगा वो निगेटिव में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया है यहाँ पर निगेटिव ऑप्शन दिया ही नहीं है, क्या है निगेटिव ऑप्शन दिया नहीं, इसका मतलब कि जो भी वैल्यू लिया है, जो भी क्वेश्चन बनाया है, जो भी एग्जामिनर ने बनाया है, उसको क्या किया गया, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस लेकर के बनाया है, ठीक है। या कह सकते हैं कि इसको ये डिस्टेंस है एक लेंथ के तौर पर दे, तो सबकी वैल्यू क्या लिया है पॉजिटिव लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जनरली देखा जाए, अगर किसका पी का पूछा है, अगर एक्स एक्सिस को लेकर के किसका पूछा था, पी का ही नहीं पूछा था, नहीं आर का पूछा था, ठीक है। अगर आर का पूछा है, वैसे हम तीनों का निकालें क्योंकि हमको एरिया निकालना है, अगर आर का आप लोग देखेंगे तो इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आ गया, ये एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे -10 होना चाहिए, क्या होना चाहिए -10 होना चाहिए। आर की जो कोऑर्डिनेट है एक्स को अगर हम ओरिजिन लेते हैं तो नीचे देखते हैं, ये नीचे कहाँ जाएगा 1 2
और दो ही पे हो जाएगा, ठीक है, ये दो यहाँ पर आएगा, ठीक, ये दो पे हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ, देखिए दो पे नहीं होगा, तीन पे होगा, ठीक है, इसको सीधा कर लेते हैं, ये आर ऐसे होगा, ये जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आप सही है, मतलब ये क्या हो जाएगा, -3, मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए, -10, -3 आना चाहिए, बट हमारे ऑप्शन में ऐसा वैल्यू कुछ दिया नहीं, इसका मतलब कि एग्जामिनर ने क्या लिया है, इस एक्स एक्सिस को भी क्या लिया है, पॉजिटिव लिया, इस वाई एक्सिस को भी क्या लिया, निगेटिव लिया, इसका मतलब कैसे बिहेव किया, इसको मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, इसको ऐसे बिहेव किया, देखिए इस सिकुड़ को यहाँ लिया है, और इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस माना, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस माना, ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, सारे को पॉजिटिव मान लेंगे, हालांकि अगर आपके ऑप्शन में अगर -10, -3 देगा तो आप सीधा सीधा लिख देंगे, ठीक है, -10 और -3 इसका मतलब सही आंसर होगा, बट यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि ऑप्शन में -10, -3 नहीं दिया है, इसका मतलब एग्जामिनर चाहता है कि हम वैल्यू को क्या लें, पॉजिटिव लें, ठीक है, तो हम सारे को पॉजिटिव लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू अभी मैंने लिखा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, वैसे -10, -3 आना चाहिए लेकिन ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए हमने 10 और 3 ले लिया, ठीक है, पॉजिटिव मान करके, ठीक है, आगे चलते हैं, पी को अगर लेना हो तो क्या लेंगे, पी यहाँ पर है, देखिए इसको काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 12, मतलब एक्स की 12 आ गई, और यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 2, तो हालांकि 2, अगर हम लोग नॉर्मल देखेंगे तो ये हमारा ऐसे ऐसे देखा जाए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारी वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू निगेटिव होती थी, इसकी वैल्यू -12 और -2 आना चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें वैल्यू पॉजिटिव लिया, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको +12 और 2 लेंगे, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 10, 3 हो जाएगा, हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, अब आगे चलते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए क्या, थर्ड वाला क्वेश्चन था क्यू को बताना, तो क्यू हमने अभी निकाला नहीं है, तो क्यू को भी निकाल के देख लेते हैं, वो भी सी को ओरिजिन लेकर के, ठीक है, तो आइए निकालते हैं क्यू को, ठीक है, तो ये हमारे पास क्यू आ गया, थोड़ा क्वेश्चन लंबा जाएगा लेकिन अब बड़े इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अब ये क्यू है तो इसको काउंट करते हैं, इसको ऐसे लेके ये हो गया हमारे पास ये, और ये जाएगा यहाँ, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कितना आ गया, क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 13 आ गई, कितनी आ गई 13, ठीक है, तो 13 आ गई, उसके साथ ही साथ माइनस में ले लेंगे, उसके बाद ये क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर आ गया 6, मतलब -13 और 6 आना चाहिए, -6, लेकिन ऑप्शन में भी नहीं दिया तो हम लोग क्या लेंगे, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, तो -+13 और +6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, वो सभी को हम लोग क्यों पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, कब मतलब इसको आप फिगर को थोड़ा सा टिल्ट मतलब घुमा भी सकते हैं, इसको उल्टा कर सकते हैं फिर, ठीक है, इस चीज़ को उल्टा कर सकते हैं, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री का क्या दिया हुआ है, 13 और 6 हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा, अब कोई लोग कहेंगे सर यहाँ पर -13 तो दिया हो, तो दोनों वैल्यू अगर निगेटिव देगी तभी हम उसको मारेंगे, इसमें ये क्या है -1 में -1 में +, तो ऐसा हम लोग इसको नहीं ले सकते, इसका हम दोनों को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, एग्जामिनर यही चाह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अब चलिए चलते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पर, देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए इज गिवन इफ ए इज ओरिजिन, तो ओरिजिन ए को मानते हैं और ए को मान करके हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, फार्मूला क्या होता है, अगर जैसे अगर ट्रायंगल दिया हुआ, ठीक है, अगर ट्रायंगल में दिया हुआ ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है, और अगर ये x3 है, ठीक है, ये क्या है x3 है और ये y3 है, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, इसको लेंगे, ये इसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला होता है ½ x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y3, ठीक है, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था ए को जब ओरिजिन हम लोगों ने माना था तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट मिला था, क्या कोऑर्डिनेट मिला मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख दूंगा बाद में, ठीक है, देखिए पी का कोऑर्डिनेट क्या मिला था हमको, 4 और 6 मिला था, लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, पी का कोऑर्डिनेट क्या मिला था, पी का कोऑर्डिनेट मिला था हमको 4 और 6, क्यू का क्या मिला था 3 और 2 और आर का मिला था 6 और 5, ठीक है ना, हमको ये पी और क्यू और आर का तीनों का मिल गया था, अब इसको मैं यहाँ लिख करके सॉल्व करूँगा आगे, ठीक है, इसको यहाँ इस पेज पर लिखता हूँ, चलिए लिखते हैं यहाँ पर, तो देखिए P क्या हमारा था, P को हम लोग मान लेते हैं कितना था 4 और 6, क्या था 4, 6, ठीक है, Q क्या था हमारे पास 3, 2, उसके बाद R क्या था हमारे पास 6, 5 था, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हाफ एरिया लगा करके मैं आगे पेज रखा हूँ तो उस पर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, हाफ फार्मूला क्या होता है एरिया का आपको पता ही है, एरिया इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे मॉड होता है, मॉड का मतलब एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर वैल्यू निगेटिव भी आ जा रही है तो बाहर क्या निकलेगी, पॉजिटिव निकलेगी, ठीक है, इसीलिए मॉड लगा रहता है, ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर एरिया की वैल्यू लिखते हैं, एरिया में हाफ x1 क्या होता है, x1 लिखेंगे तो x1 हमने क्या माना था, x1 हम लोग 4 को मानेंगे, क्या मानेंगे 4 को, तो हमने क्या लिया 4 ले लिया, 4
ठीक, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2-5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2-5, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पी की वैल्यू क्या थी, 4.6, 3.2, उसके बाद 6, क्या था, 5 था, ठीक है। ये एक्स वन वाई वन, ये क्या है एक्स टू वाई टू, ये क्या है एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, देखिए तो एक्स वन पहले लिखेंगे 4 और फिर वाई टू माइनस वाई थ्री लिखेंगे, क्या लिखेंगे वाई टू माइनस वाई थ्री, तो वाई टू हमारे पास क्या है 2 है और वाई थ्री क्या हमारे पास 5 है, हमने लिख दिया। फिर प्लस की साइन, अब क्या होगा यहाँ पर, अब होता है एक्स टू, तो एक्स टू हमारे पास क्या, एक्स टू हमारे पास ये 3 है, तो लिखेंगे 3, ठीक। ब्रैकेट लगाएंगे, क्या होगा वाई थ्री कितना हमारे पास 5, वाई थ्री माइनस वाई वन, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5-6, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 5-6, लिख दिया हमने। फिर प्लस करेंगे, यहाँ लगा लेते हैं प्लस, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अब प्लस हमने लगा लिया, उसके बाद फिर हमको क्या लिखना है, एक्स थ्री हमारे पास कितना है 6 है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 6 है ना, हमने लिखा 6 और फिर ब्रैकेट लगाएंगे, क्या होगा y1-y2, तो y1 हमारे पास कितना था 6 था और -2 हो जाएगा, बस सॉल्व कर लेंगे इसी को। ये मॉड लगा लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि मॉड मैंने बताया था, ये 2 में से अगर 3 माइनस करें कितना हो जाएगा -3 में अगर 4 का मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, -12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, क्या 5-6 -1 और -1 अगर 3 का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब इस 6 में से अगर 2 को माइनस करें कितना आ जाएगा 4 और 4 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 24, प्लस 24 आ गया, और मॉड लगा दीजिएगा साथ ही साथ, और साथ ही साथ 1/2 भी लिख दीजिएगा। -12 और -3 कितना हो जाएगा -15, और 15 में से अगर 24 माइनस करें कितना आ जाएगा 9 बाहर 2 डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा इसका एरिया 4.5 इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो चलिए ऊपर देखते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस फार्मूले को भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा कह रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ सी इज ओरिजिन, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, सी ओरिजिन है, तो जब सी ओरिजिन होगा तो हम चाहे माइनस वैल्यू लेकर सॉल्व करें या तो प्लस लेकर सॉल्व कर सकते, तब भी आंसर सेम आता है, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में क्या किया है, माइनस ही लेकर के सॉल्व किया, ठीक है, तो हम लोग प्लस ही लिया, एक्स एक्सिस को प्लस लिया और वाई एक्सिस को प्लस लिया, तो हम लोग भी प्लस लेकर के ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, तो यहाँ पर x1 y1 कितना मैं लिख दे रहा हूँ सीधा सीधा, यहाँ पर जो p की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 12 आई थी, और कितनी आई थी 2 आई थी, ठीक है ना, 12 और 2 आई थी। उसके बाद q की वैल्यू कितनी आई थी 13 और 6 आई थी, ठीक है। उसके बाद r की वैल्यू कितनी आई थी +10 और 3 आई थी, बस इसी को सॉल्व कर लेना। लिखेंगे क्या, हाफ एरिया निकालेंगे, तो x1 ये हमारा x1 है, y1 है, ठीक है, और ये हो गया x2 y2, और ये हमारा क्या हो गया x3 और ये y3, ठीक है। अब थोड़ा सा कलर चेंज किया जाए, ठीक है। चलिए अब इसको लिखते हैं हम लोग, x1 क्या हमारे पास है 12 है, तो लिखेंगे 12, ब्रैकेट में क्या करेंगे, ब्रैकेट में y2-y3, y2 हमारा 6 है और ये 3 है, तो y2-y3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख ले रहे हैं हम 3 सीधा सीधा। फिर प्लस, उसके बाद क्या लिखना, x1 हो गया, अब x2 लिखेंगे, मतलब 13, कितना लिखेंगे 13, क्या फिर 13 के बाद x2 हो गया, तो क्या करना होगा y3 मतलब 3-y1, 3-2 करना होगा, ठीक है, तो 3-2 करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक। फिर प्लस x3 मतलब कितना लिखना होगा 10 लिखना होगा, तो इसमें इस फॉर्म में क्या लिखते हैं y1-y2 मतलब 2-6 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लीजिए 12, ये मॉड लगा दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर 12 + 36 मतलब 36 और 13 + 1 कितना हो जाएगा 13 और 10 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे -4 का, तो -40 हो जाएगा। 36 और प्लस 13 कितना हो जाता है 49 हो जाता है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, कितना हो जाता है 49 हो जाता है, और 49 में से 40 माइनस करेंगे और साथ ही साथ यहाँ मॉड लगा लेंगे, और 1/2 बाहर था। अब 49 में से 40 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9 और 2 डिवाइड में था, तो 2 हम लोग ऐसे कर देंगे, तो 2 9/2 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4.5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पाँचों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ये केस स्टडी भी आपको समझ में आ गई, ठीक है। बस आपको एक बात यहाँ पर ध्यान देना था कि यहाँ पर जितना भी एक्स एक्सिस था और वाई एक्सिस था उसको क्या लिया था, पॉजिटिव लिया था, इसको भी पॉजिटिव लिया था, इसको भी पॉजिटिव लिया था, ठीक है। इसमें एग्जामिनर ने पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव लिया था, ठीक है। अगर आपको और ऑप्शन -10 और -3 लेता है, अगर दिया रहेगा, तो आप उसी को लगाएंगे एकदम मतलब बिना सोचे समझे, क्योंकि वही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या किया, इसको पॉजिटिव लेकर के सॉल्व किया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये केस स्टडी आपको समझ में आ गई होगी और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच इसी प्रकार से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करने के लिए, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।